हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप और वीडियो बनाए काफ़ी दिन हो गए क्योंकि गर्मी आ चुकी है और कूलिंग लगा दी है बाहर, क्योंकि कूलिंग लगाया इसके अंदर से पानी आ रहा है और जैसे बाहर से हवा गर्म लू आएगी तो अंदर ठंडा होता है एकदम एसी तरह, क्योंकि बच्चा हफड़ा नहीं चाहिए गर्मी में, और मटके में पानी दे रहे हैं ताकि ठंडा रहता है, जितना ठंडा पानी देंगे उतना हाफेगा नहीं, हाफेगा तो वजन नहीं बना पाएगा और बीमार हो जाएगा। और देख लो हमने पंखा भी एक चला रखा है और एक साइड वाला पंखा, और साइडों में पानी लगा रखा है, डिप में पानी चल रहा है, इसी के अंदर कूलिंग रहेगी और बहुत बढ़िया। और वैसे मटके में भी पानी ठंडा है, कुछ बड़े वर्ल्ड हमारे पास ये मुर्गियाँ अंडे के लिए रखी है, और हमने नीम के पत्ते भी डाले हैं दोस्तों। जो पीछे से काटने की बीमारी होती है, नीम के पत्ते डालोगे तो उससे काटने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और एक कैल्शियम की मात्रा भी रखता है चिप्स के अंदर। इस साइड तो पेड़ पौधे ताकि ठंड है, ये हमारा पूरा फार्म है। देखो कुछ बच्चा हाफ रहा भी, हाफना नहीं चाहिए, जितना ठंडा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। गर्मी महसूस कर रहा हूँ, हम आपको बाहर से भी दिखा देते हैं ये कूलिंग। एक बोरी भी लगा सकते हो, और हमने एक साइड बोरी लगाया फार्म में, और एक साइड ये जो पोली हाउस वाली जाली है ये कहीं भी पुरानी नहीं पड़ेगी। देखो इस तरह से पाइप ज्वाइंट की है इसके साथ साथ पूरे फार्म के लास्ट तक, और इसके अंदर पानी जल रहा है। देखो जो भी बाहर से गर्म हवा जा रही है पूरी एकदम छान के जा रही है, क्योंकि ठंडी हो गई जाएगी जितनी भी लू चलेगी। तो देखो जितना मुर्गा एकदम, कोई भी मुर्गा नहीं आ रहा है जो ठंडी है कुछ। क्योंकि गर्मी है तो इसको जितना ज़्यादा लू से बचाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ लेगा, नहीं तो फीड